बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वेवर, कैसे हैं आप? मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ लेके हाजिर हुआ हूं, हर उम्र के फर्द की पसंद है, ये बच्चे से लेके बूढ़े तक इसको पसंद करते हैं और इसके जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो भी इस हिसाब से इसमें डलते हैं। ऑथेंटिक रेसिपी कि हर उम्र का फर्द इसको, बच्चा बूढ़ा जवान मर्द औरत इसको पसंद किया जाता है। इसको मेरे नाम से बहुत से लोगों ने ये रेसिपी डालने की कोशिश की, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारी फरमाइशें थी और बहुत से लोगों ने, उन सब का शुक्रिया जो सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने मेरे नाम से इसको गलत इस्तेमाल किया, जैसे भी किया, ऑथेंटिक रेसिपी दे रहा हूँ और ज़बरदस्त शानदार रेसिपी, कमर्शियल रेसिपी। आप लोग टेंशन ना लिया करें, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, उनकी बातें सुन के आप ऐसी इस तरह कानों पे हाथ रख लें, उनकी बातें ना सुना करें। आप हिम्मत वाले हैं, आप कर सकते हैं। एक पैन ले लें, 2 किलो चिकन फिले मेरे पास है, इसको मैंने इस तरह साइज में काट लिया, देखें इसमें शामिल कर दें, इस तरह पैन में शामिल कर दें, कोई किसी भी साइज में आप काट लें। 2 किलो की रेसिपी आपको दे रहा हूँ मेरे भाई, 1/2 किलो दूध शामिल कर दें, ये लें, रामिश दिखा रहे हो जी जी, ये पानी शामिल कर दें, 1 kg पानी शामिल कर दें, 1.5 kg कर दें पानी शामिल, ये देखें जी, ये हो गया। अब ये देखें, एक मिनट से पहले आपको इसकी तैयारी का तरीका बताता हूँ, ये किस तरीके से तैयार होते हैं, ऑथेंटिक रेसिपी और कितनी देर तक आप इसको फ्रिज में फ्रीज कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। आप टेंशन ना लिया करें, फ्लेम को मीडियम कर दें, ये ऊपर चढ़ा दें, 4 मिनट इसको मैं जोश दूंगा, बॉयल करूंगा, 4 मिनट के बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दूध और पानी डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया 4 मिनट, उसके बाद मैंने ड्रेन कर दिया, वाटर भी और दूध भी। मेरी बात को तवज्जो से सुना करें, गौर से सुना करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें, विदाउट स्किप किए एंड तक देखा कीजिए। अब पहले मैं रेशमी कबाब की, जब मैंने आपको रेसिपी दी तो मुझसे पूछा गया कि आपने चॉपर में मिसाले जो डाले दोबारा भी ऐड किए, मैंने वो ऐड नहीं किए, वो फार्मूला 2 किलो का जो मैंने आपको दिया वैसे ही था। 6 मेरे पास मीडियम साइज के स्लाइस हैं, ये देखें, इसके ये वाली जो साइड है ये उतार दें, ब्रेड की ये जो ब्लैक वाली है ना, ये साइड वाली जो ब्राउन है ये उतार दें इसकी, इस तरीके से 6 स्लाइस हैं मेरे पास, ये इसी तरीके से फॉलो करें, ये देखें इसको उतार दिया, इसको इस तरीके से काट लें, कोई मसला नहीं है, ये देखें इसके अंदर शामिल कर दें, एंटिक रेसिपी इसके अंदर शामिल करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पे। 1 tablespoon मैंने इसके अंदर शामिल किया ब्लैक पेपर का, ये 1 tablespoon ब्लैक पेपर शामिल कर दें, ये 1.5 tablespoon साल्ट शामिल कर दें, ये मेरे पास सब्ज मर्च थी उसके मैंने बीज निकाल लिए, ऊपर वाला कवर ले लिया, कवर लेके मैंने उसको अच्छी तरीके से चॉप कर लिया, 20 अदद मिर्ची हैं ये मेरे पास, ये शामिल कर दें, ये मेरे पास 1/2 tablespoon, 1/2 tablespoon लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर इसमें नहीं जाएगा, ये मेरे पास वाइट पेपर है, ये 1 और ये 2 tablespoon वाइट पेपर, ये मेरे पास देखें 1 tablespoon सोया सॉस, ये इसमें शामिल करने लगा हूँ मैं सोया सॉस 1 tablespoon, ये मेरे पास पपरिका पाउडर 1/2 teaspoon, इसी तरीके से शामिल कीजिएगा, कम या ज़्यादा ना कीजिएगा, 2 किलो का फार्मूला, 100 ग्राम चीज़, चैडर और मुजरीला शामिल कर दें इसके अंदर, 100 ग्राम चीज़ है, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ फिर मैं आपसे मिला। ऑथेंटिक रेसिपी, कमर्शियल रेसिपी इंशाल्लाह, रेस्टोरेंट स्टाइल का रेसिपी इसके अंदर शामिल कर दें। इसको स्टार्ट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये देखें इसको अब मैं चॉप करने लगा हूँ, जिसमें ज़्यादा मन रहे हूँ, ये 2-2 मिनट मैं इसको चॉप कर रहा हूँ, 2-2 मिनट इसको चॉप कर लें आप अच्छे तरीके से, ऐसे देखिए इस तरीके से चॉप होता जा रहा है, ये दरदरा सा मेरे पास आ गया इसके फार्म में ना, दरदरे सी फार्म में मेरे पास ये आ गया है, मैं सारे को इस तरीके का प्रोसेस से चॉप कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले वीवर, इसको अच्छी तरीके से अपने चॉप करके इसको इस तरह में मिक्स कर लें, इस फार्म में ये आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत प्यारी खुशबू इसकी। अच्छा, अब हमारे पास इसके साथ के सांचे होते हैं, ये देखें
जी हमने, हमारी मजबूरी है, हम हाथ से नहीं बना सकते क्योंकि क्वांटिटी क्वालिटी, इसका वजन वेट कितने की देने हैं, ये सर्विंग कितनी करनी है, इस लिहाज से हमें एक ही शेप इनकी चाहिए होती है। इसलिए मैंने ये सांचे बनवाए हुए हैं, बाजार से भी मिल जाते हैं इस तरह के बने बनाए, ये दिल वाले गुलाई में ये देखें बना रहे हैं, गुलाई में जिस तरह के भी हैं, इसको उठाएं सिंपल, इसके ऊपर ऐसे रखें, ऐसे ये एक ही वजन के एक ही साइज के तैयार होंगे, ऐसे रखें इस तरह, थोड़ा सा हथेली से इसको अच्छी तरह दबा दें, ऐसे ये देखें, एक्स्ट्रा हटा दें इसको, यहाँ से ऐसे निकालें, ये देखें ये ऐसे तैयार हो जाएंगे, एक एक तरह के सारे तैयार होंगे इंशाल्लाह। ये आपके एक साल भी ख़राब नहीं होते फ्रीज, ये फ्रोजन फूड है, मैंने इसको फैंसी फूड का नाम दिया हुआ है, ये फ्रोजन फूड के ज़िम्मे में आता है और ये इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेके आएगा, अथेंटिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसको ऐसे निकाल लें यहाँ से, ये देखें ऐसे निकाल लें, ये कुछ गुलाई की शक्ल में ये देखें बन रहे हैं, कुछ ये इस शक्ल में बन रहे हैं, ये मैं सारे बना लूँ, बनाने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ, किस प्रोसेस से इसको गुजारना है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। ये सारे रिवर मैंने तैयार कर लिए इस शेप में और गुलाई वाली शेप में, मैंने आपको पहले बताया कि हमें यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी का ख्याल रखना पड़ता है, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये मैंने इसके साथ एक जग ले लिया, इसके अंदर चार अंडे डाल दिए, ये चार अंडे शामिल कर दिए, ये मेरे पास मैदा है, ये देखें मैदा है, ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर टेबल स्पून मैदे के शामिल कर दिया चार अंडों में। ये मेरे पास नमक है, ये देखें हाफ टेबल स्पून नमक का शामिल कर दें। ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर, सॉरी वाइट पेपर, वन टेबल स्पून वाइट पेपर का शामिल कर दें, वाइट पेपर शामिल कर दें। इस टाइम इसमें ब्लैक पेपर नहीं जाएगा। ये मेरे पास दूध है थोड़ा सा, 60-70 ग्राम होगा, ये शामिल कर दें इस तरीके से, ये इस तरह का आप ये ले लें ना इसको इस अच्छे तरीके से मिक्सर बना लें इसका। ये एक मिक्सचर तैयार हो गया, देखें गाढ़ा गाढ़ा सा, ये देखें थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर दें, ये देखें बस तकरीबन 50-60 ग्राम मैंने पानी शामिल किया इसमें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये लें जी व्यूअर, ये एक मिक्सचर सा मेरे पास तैयार हो गया है, ये इसके ऊपर ऐसे डाल दें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त, आप कहेंगे कोई चीज़ बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसके ऊपर डाल दें, अगर ये इसमें से बचेगा फिर हम इसको सेव कर देते हैं फ्रिज में, वेस्ट नहीं करते। ये देखिए इसमें डाल दें इसके ऊपर, ये मेरे पास ब्रेड क्रम है। अब मेरी बात सुने, अब यहाँ से ये मुझे जो ब्रेड क्रम्स मिले हैं ना, ये मिले हैं ब्राउन कलर के, मार्केट में दो तरह के मिलते हैं, एक वाइट और एक ब्राउन, आपने वाइट वाले लेने हैं, ये मेरे पास ब्राउन वाले हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप हैं तो वाइट ले लीजिएगा। इसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया, ऐसे ऐसे डाल दें, कोई मसला नहीं है, इसको साइड पे कर दें, इसको ये देखें ये रूलर की मदद से थोड़ा सा इसको बेल दें, इसको बेल दें थोड़ा सा ताकि ये मोटे मोटे ना हो। एक और चीज़ भी लगती है इन्हों, मेरी गल सुनो इधर, एक और चीज़ भी लगती है, फिर तो किसी टाइम दस देंगे मैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, कुछ लीगल मामलात होते हैं, आप मेरी बातों को समझ जाया करो। इसको ऐसे अच्छी तरीके से इनको बेल लें थोड़ा सा रोलर की मदद से, ये देखें शायद हम रेस्टोरेंट में वो लगाते हों टेस्ट के लिए, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने आपको बताया कि ये वाइट वाले लेने हैं आपने ब्रेड क्रम्स जो हैं, इस तरह इसको कर लें, ये देखें ये हो गए, बस सिंपल इसको हटा लें, इसको उठाएं एक एक पीस को ऐसे, ये एक हाथ से इसको इसमें रखें, एक हाथ इसको ऐसे, इसको ऐसे लगाते रहें, ये देखें ऐसे, ये नहीं टूट नहीं ना टूट रहे हैं ना डेग रहे हैं ना कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत टेस्टफुल बहुत ज़बरदस्त। ये देखें ऐसे करें, ये लो ऐसे डालें, ये लें ऐसे डाल दें, ये लें ऐसे करें, कुछ भी नहीं होगा इन्हें, ये देखें ऐसे बंद कर दें। ये भाई फैंसी फूड है का नाम देता हूँ मैं इन्हें, फैंसी फूड है ये ज़बरदस्त। ये देखें ऐसे कर दें, इसको उठाएं ऐसे कर दें, रामेश दिखा रहे हो बेटा, इसको ऐसे उठाएं ऐसे डालें, ये देखें अब मैं इस हारों को ऐसे लगा लूँ फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मिलता हूँ, फिर आप बताता हूँ इसका क्या करना है।
اور یہ جو بچا ہے یہ میں پھر نیکسٹ استعمال کروں گا، اس کو میں نے لگا دیا، میں اس کو دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھنے لگا ہوں۔ یہ جو ہمارا چیز والا فریزر ہے جس میں سٹاک ہے سب کچھ، یہ دیکھیں پہلے سے بھی نگٹس پڑے ہیں، یہ دیکھیں نگٹس پڑے ہیں پہلے سے، اور یہ جو چپس وغیرہ ہماری ہوتی ہے اس میں میں دو گھنٹے کے لیے اس کو رکھنے لگا ہوں۔ دو گھنٹے کے بعد یہ بالکل فرائی کے لیے ریڈی ہو جائیں گے۔ آپ نے اس ٹائم پہ ان کو فرائی نہیں کرنا، پہلے فریز کرنے ہیں ان کو، پھر اس کے بعد فرائی کرنا ہے۔ دو گھنٹے کے بعد ملتے ہیں آپ سے۔ یہ لیں بھی ور، یہ دیکھیں دو گھنٹے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اس کو میں نے فریزر میں سے نکال لیا۔ اب اس کے ساتھ کے میں نے یہ دیکھیں پیکنگ لے لی، شروع کر دی، مارکیٹ سے مل جاتے ہیں اس طرح کے، یہ شیشہ پلاسٹک کے شاپر اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا شاپر لگا ہوتا ہے، ایسے اس طرح اس کو کھینچیں گے کہ چپک جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کو یہ میں پیکنگ کرنے لگا ہوں فروزر کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں یہ نہ ٹوٹیں گے، یہ 85 بنے ہیں، 2 کلو چکن فلے میں یہ 85 پیس تیار ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں میں اس کے اندر 10-10 15 15 ایسے پیک کر دوں گا اس طریقے سے۔ یہ دیکھیں پیک کر کے یہ جو ہے شاپر یہ ایسے چپک جاتا ہے ایسے۔ یہ دیکھیں فرائر میں نے آن کر دیا ہے، یہ اس طرح پیکٹ بن جائیں گے۔ یہ دیکھیں اس کو ایسے کریں، جتنے آپ کا دل چاہے آپ فروزن کر کے ڈال دیں، یہ خراب شراب نہیں ہوں گے۔ رامش ادھر دکھا، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ان کو میں سارے یہ بنا لوں ان کے پیکٹ، اور یہ جتنا یہ ٹمپریچر اس کا ہو جائے فرائر کا، پھر میں آپ کو اس کو فرائی کر کے فائنل لوگ دکھاتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو ریسپی 2 کلو کی تھی، بنائے زیادہ تھے میں نے، یہ تقریباً میں نے زیادہ بنائے تھے، 2 کلو میں 85 پیس تیار ہوئے۔ پاکستان میں یہ تقریباً 200 سے 250 کے ملتے ہیں، 8 پیس کی ایک پلیٹ ہوتی ہے۔ یہ 10 پیس میں نے سیپریٹ کر لیے آپ کو فرائی کر کے دکھانے کے لیے، بقایا یہ میں نے فروزن کر کے ان کو میں فریج میں رکھنے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کو میں فریج میں لگانے لگا ہوں۔ اب یہ کہیں خراب نہیں ہوتے، 6 مہینے 8 مہینے آپ بچوں کے لیے بنائیں جیسے بھی کریں۔ اس فریج میں ہمارے پاس جو ہے نا یہ آئس کریم وغیرہ اور چپس وغیرہ یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، اس کو یہاں رکھتے ہیں۔ اب میں یہ ٹمپریچر ہو جائے ہمارا، پھر میں آپ کو اس کو فرائی کر کے پھر دکھاتا ہوں۔ چلو جی، میں نے اس کو میرے بھائی یہ 140 پہ ٹمپریچر کر لیا، یہ اس کے اندر اس کی جو جالی ہوتی ہے اس کے اندر یہ شامل کر دیں، ڈال دیں اس کو نگٹس کو۔ یہ دیکھیں میں اس کے دو یہ اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالنے لگا ہوں۔ یہ تقریباً 3 منٹ میں بالکل ریڈی ہو جائیں گے، 3 منٹ ریڈی ہو جائیں گے، پھر میں آپ کو اس کا کرسپی پن دکھاتا ہوں، اندر سے جوسی دکھاتا ہوں کس طریقے سے یہ بنے ہیں۔ آپ پوری یوٹیوب چیک کیجئے، آپ دیکھیے کہ کیا یہ ریسپی ہیں آپ کو پہلے کہیں نظر آئی ہیں۔ میں دعوے نہیں کرتا، نہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، میں ایک غریب سا بندہ ہوں اور آپ لوگوں کے لیے آپ کو سکھانے کے لیے ہوں انشاءاللہ۔ آپ ٹینشن نہ لیا کریں، اتھینٹک ریسپی ہے۔ ٹمپریچر اور ٹائم ایک بار پھر بتا دیں۔ ٹمپریچر 140 اور ٹائمنگ 3 منٹ، 3 منٹ میں یہ ریڈی ہو جائیں گے، یہ کمپلیٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ 3 منٹ کے بعد پھر ملتا ہوں میں آپ سے۔ یہ نہیں، اور یہ 3 منٹ ہو چکے ہیں، ان کو میں نے نکال لیا باہر، فرائر کو میں ذرا آف کر دوں۔ بہت زبردست لک آئی ہے ان کی، بہت زبردست خوشبو، بہت زبردست ٹیسٹ دکھا رہے ہو۔ جی جی، یہ دیکھیں بہت زبردست، ان کا ساؤنڈ سن لیں آپ، یہ دیکھیں بہت زبردست، انشاءاللہ یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ لیں ویور، اس طریقے سے کیچپ شامل کر لیں، کیچپ کی ریسپی آپ کو بہت جلدی انشاءاللہ مل جائے گی، اور بالکل بہت جلدی دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اندر سے جوسے، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بالکل زبردست قسم کے آپ کے، وہ میں نے جو ہے نا چکن نگٹس کی ریسپی دے دی ہے۔ آپ میرے لیے سپورٹ کیا کریں میرے چینل کو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو پہلے ٹرائی کریں، پھر کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے میری ریسپیاں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک پہ پیج ہے بابا فوڈ RRC کے نام سے، اس کو بھی لائک کر دیں کائنڈلی۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کا، آپ لوگوں کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔